हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4.2 तक पढ़ लिया था, लेकिन आज ज़रूरी है 4.1 में कुछ और भी कॉन्सेप्ट सिखाना, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को आने बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आने चाहिए। हाँ, चला जाए फिर आगे बढ़ा जाए। आदित्य शर्मा, पढ़ाई कर लो बेटा, अच्छा रहेगा, पढ़ाई कर लो। चलो देखो, ठीक है तो शुरू करा जाए, अच्छी बात है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन दिया गया है, इसको कह रहा है कि इसके जो मानक समीकरण है उससे कंपेयर करके ए बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने इसका मानक समीकरण लिख दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, इससे इसकी कंपेयर करेंगे। एक एक पार्ट की कंपेयर की जाती है, तो सबसे पहले हम ए एक्स की कंपेयर एक्स से करेंगे। कंपेयर करने का मतलब होता है उन दोनों पदों को बराबर करना, ठीक है। तो ए एक्स की तुलना एक्स से करेंगे, बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे करते हैं, समझ लो। यहाँ से हमें ए का मान निकालना है, ए को ऐसे छोड़ देंगे तो यक्स अपान ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा यक्स, ये कट जाएगा, ए बराबर वन आएगा। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं, यानी यहाँ से आप कह सकते हो कि ए का मान कितना आया बेटा, वन, ठीक है। और बी का मान कितना आएगा, इसके लिए बी वाला जो पद है उसको कंपेयर करोगे, ठीक है। देखो यहाँ से समझो, बी वाला पद क्या है, इसमें देखो बी वाई है, इसमें माइनस चार बटा पाँच वाई है ना, यही है ना, तो चलो ठीक है। रख लो यहाँ से समझो, इस बी वाई को क्या करोगे, माइनस चार बटा पाँच वाई इसके बराबर करोगे, बराबर कर लो। चलो हमें किसका मान चाहिए, बी का मान चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे बी बराबर ये माइनस चार बटा पाँच वाई, और ये बटे में जाएगा इधर से गुड़ा में वाई, ये कट जाएगा, यानी बी की वैल्यू माइनस फोर अपान फाइव आएगी। सबको समझ में आ रहा है ना, माइनस में है अंशिका सरोज, एके रंजू देवी, सभी गलत बता रहे हो, ये माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा। सी का मान क्या आएगा, देखो इसको कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, अकेले वन है तो ये प्लस वन ही रहेगा, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस रहता, ये चीज़ आप समझ लो, ठीक है। तो आज हम आप लोगों को समीकरण हल करना ना बता दें साथ में क्या, नहीं कुछ और भी इस तरह से, ये पता नहीं क्यों एक बार डिसकनेक्ट होता है, किट किट फिर से डिसकनेक्ट करके कनेक्ट करता है, पता नहीं इसको काम मिल रहा है ऐसा कर। देखिए यहाँ पे समझिए, अगला हम एक और दे रहे हैं, पाँच बराबर दो एक्स, इसमें आप लोग ए बी और सी का मान बताओ, कंपेयर करना है ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो से, जल्दी करिए, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। गीता जितेंद्र, आर्यन बाबू पढ़ाई नहीं कर रहा ना तू बेटा, हाँ तुम्हें कुछ और चाहिए ना, चलो बताओ जल्दी करो फटाफट बोलो। आ जाएगा ना, देखो जल्दी जल्दी से अगर आप आंसर बताओगे तब अच्छा लगता है, इधर उधर की लत्ता ही करते हो तो नहीं अच्छा लगता। इसमें देखो क्या है क्या नहीं है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दो एक्स माइनस पाँच बराबर जीरो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है भैया, दो एक्स इधर आएगा।
तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये प्लस वो माइनस बराबर हुआ, इसको ऐसे कर सकते हैं। अब नहीं बताऊंगा कैसे। यक्स वाला पद देखो दोनों में है, यानी हम कह सकते हैं ए का मान दो आएगा सीधा सीधा। अगर बी का मान निकालने की बात आई तो बेटा यहाँ पे बी वाला पद नहीं है इस समीकरण में, अचर पद है लेकिन बी वाला नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर बी वाला नहीं है तो बी जीरो हो जाएगा। सी वाले पद की अगर बात आई तो सी वाले में क्या है, ये माइनस पाँच है। इस तरह से इनकी कंपेयर करते हैं। वर्तिका श्रीवास्तव पाँच नहीं होगा, माइनस पाँच होगा, माइनस पाँच होगा। दिव्यांश पांडे दोपहर दो बजे से कक्षा दस का मैथ होता बाबू, दोपहर दो बजे से कक्षा दस का गणित होता है, दोपहर दो बजे से। ठीक है, ओके, तो लिख लो, आगे बढ़े फिर हम लोग इसी क्रम में लेकर के आगे बढ़ते हैं। चलो ये नितिन दुबे को ब्लॉक कर दो परमानेंट, ये दोबारा कमेंट ना कर पाए। नहीं इसको पढ़ना है नहीं, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, सब कुछ अच्छा है। आप लोग मुझे ये बताओ, क्या इस तरह का अगर कहीं भी इक्वेशन दिया है तो आप उन्हें कंपेयर कर सकते हो ना? एक बार बोलो तभी कंपेयर कर लोगे ना बाबू। हाँ चल खंडेवाल, चलिए ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, मस्त है। तो एक लास्ट और बता दो फिर, यक्स बराबर तीन वाई, इसको भी कंपेयर करके आपको ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो बताओ, चलो कितना आएगा इसमें, कोई बताए एनीवन? ऐसे कैसे पता चलता है ये बी नहीं होगा सी होगा? दिमाग की मतलब मैं क्या कहूँ, इन लोग के पास दिमाग है नहीं। देखो इधर सुन लो, देखो एक पागल टाइप का पूछ रही कि कैसे पता चलेगा ए है बी है कि सी है, क्या है क्या नहीं है। देखिए समझिए समझिए, मैं सब बता रहा हूँ। जैसे एक इक्वेशन है, मान लो तीन एक्स प्लस चार वाई और प्लस सी इक्वल जीरो, तो इसका जो स्टैंडर्ड समीकरण ये होता है ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो होता है ना। यानी इसमें देखो ए एक्स की जगह पर तीन एक्स वाला पद है, बी वाई की जगह पे चार वाई वाला पद है, सी की जगह पे सी वाला पद है। यानी इसमें सारे पद हैं, एक्स वाला भी है वाई वाला भी है। यानी हम कह सकते हैं ए वाला भी पद है, बी वाला भी है और सी वाला भी है। लेकिन इसमें देखो बच्चा, ए में देखो एक नज़र, ये यक्स माइनस तीन वाई हो सकता है बराबर जीरो। अब तुम लोग खुद ही अपना दिमाग लगाओ, इसको थोड़ा हम और दूर लिखेंगे। यहाँ इसमें यक्स है, यक्स वाला पद है, अगर ए यक्स से कंपेयर करो बी वाई से कंपेयर करो तो तीन वाई वाला है, यानी ये पद है। लेकिन इसमें क्या नहीं है ये बताओ, इसमें क्या नहीं है? दिव्यांश पांडे बेटा शांत रहो, जो चल रहा है तुम्हें दिखेगा, हाँ दिखेगा, टाइम बता दिया उसी टाइम पे आना, बस दिखेगा तुम्हें, परेशान ना रहो। कौन सा नहीं है बताओ, जल्दी बताओ कौन सा नहीं है? आशीष यदुवंशी सी वाला नहीं है, धोनी गुप्ता बोल रहे हैं यस सर, हेमंत, रोहित विश्वकर्मा, और कोई एनीवन? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिमाग नहीं जल रहा है अभी। हाँ देखो बेटा, यहाँ पे सारे पद हैं केवल सी वाला नहीं है, मतलब अचर पद नहीं है। हाँ केवल अचर पद इसमें नहीं है, आप समझ में आया ना?
तो ए एक्स की कंपेयर अगर ई एक्स से करोगे तो ए का मान 1 आएगा, बी वाई का कंपेयर माइनस 3 वाई से करोगे तो बी का मान माइनस 3 आएगा, और सी का कंपेयर करने के लिए इसमें कोई है नहीं तो सी का मान 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, इस तरह से अगर इसके मान निकालने को बोलें तो तुम लोग एक एक बताओ मुझे कितना आएगा। दिए गए इक्वेशन की इसके मानक समीकरण से तुलना करके यक्स नहीं एबीसी का मान बताइए, जल्दी करिए, एबीसी का मान बताइए जल्दी फटाफट। भाई हर्षित को ब्लॉक कर दो तो फटाफट, हर्षित को ब्लॉक करो। प्रभुलाल गुर्जर, ये 4.1 पर आधारित है, 4.1। तो ये आप लोग कर लोगे ना, इसको आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, अच्छा है, सभी पढ़े हो, सभी जानते हो। अब समझो आराधना, तुम भी काफी कूद रही हो, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, तुम्हारा कमेंट भी कुछ अलग तरह से आ रहा है। अब तुम्हें ब्लॉक करने की बारी है बस, हाँ तुम्हें परमानेंट ब्लॉक किया जाएगा। तो ये आप लोग कर लोगे, 4.2 तक तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, हाँ अब हम कुछ और भी पूछेंगे, अभी ऐसे नहीं चलने वाला है। सोनाली शांत हो जाओ, नहीं दांत वांत तोड़ दिया जाएगा, जान लो, हाँ फिर खाने में भी मुसीबतें आएंगी। 3, -5 ये किस चतुर्थांश में है? क्योंकि आज हम कवर करेंगे जो अभी हाल ही में पढ़े हैं, जल्दी बताओ 3, -5 ये किस चतुर्थांश में है, बताइए जल्दी करिए फटाफट, हाँ सभी कोशिश करिए किस में है। वहीं रख दीजिए ना, हाँ या ये बगल में है नहीं कोई, ठीक ठीक है, तो समझ गए ना आप लोग। विजय, गीता, जितेन, रंजू, अंशिका, आशीष, प्रमोद, रायल, शिव, पूजन, ठीक है, विकास, आशीष, पंकज, बहुत अच्छे। तो ठीक है, किस चतुर्थांश में मैंने पूछा, देखो बेटा कल मैं तुमको बताया था ऐसे होता है ना, ये मूल बिंदु होता है, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे जबरदस्ती खींच दिया गया था, हाँ इसमें इधर साइड सभी नंबर प्लस होता है, वो तुम सबको पता है, हाँ इधर साइड माइनस होता है, इधर साइड ये माइनस होता है, हाँ होता है ना। तो आपको पता है बच्चा इसमें यक्स है और वाई है, जिसे क्या बोलते हैं, इसे निर्देशांक बोलते हैं। ये देखो प्लस यक्स है, माइनस क्या है, वाई है ना भैया, समझ में आ रहा है ना। तो प्लस यक्स और माइनस वाई किधर में होता है, पहले वाले चतुर्थांश में देखो तो दोनों प्लस होता है, यक्स भी प्लस होता है, वाई भी प्लस होता है। दूसरे वाले चतुर्थांश में देखो तो वाई प्लस होता है और यक्स क्या होता बेटा, माइनस होता है। दूसरे में, तीसरे में यक्स और वाई सब माइनस होता है, चौथे में देखो तो यक्स प्लस होता वाई माइनस होता है, यानी इसी में आएगा 3, -5। बात समझ में आई ना सबको कि नहीं आई, बोलो सबको समझ में आया कि नहीं। 3, -5 जो है चौथे चतुर्थांश में होगा, ये बहुत बड़ी बात है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आती तो याद रखना, अभी कंपटीशन की तैयारी करोगे आगे जाके, एसएससी में गिरोगे ना या कुछ भी करोगे लाइफ में,
तो तुम्हें आना चाहिए ये, और अच्छे अच्छे को नहीं आता है, अच्छे अच्छे को नहीं आता है, समझ रहे हो ना? हाँ, ये बात समझ लो। चलो देखो इधर साइड में एक और बताओ। अगर मैंने पूछा कि प्लस का 7 माइनस का 3, ये किस में है, ये किस चतुर्थांश में है बताओ? माइनस का 3 प्लस का 7 किस चतुर्थांश में है? जल्दी बताइए, देर नहीं करिए, फटाफट बताइए बच्चा। चलो जल्दी करो, उसको करने के बाद इसमें रेडी रहो, आंख गड़ा के मैं लिखने जो चल रहा हूं इसमें रेडी रहो। चलो जल्दी करो। बिंदु यम का निर्देशांक बताओ, बिंदु यम का निर्देशांक बताओ, हर एक बच्चा बताएगा बिंदु यम का निर्देशांक। और इसके बाद में बच्चा बिंदु सी का निर्देशांक बताओ, बिंदु सी यहां पर प्रतिस्थापित है, मान लो इतना ही काम नहीं चलने वाला है ना, अभी तुम्हें यहाँ बिंदु बी का निर्देशांक भी बताना है। चलो जल्दी करो, बिंदु यम का निर्देशांक क्या होगा, कोऑर्डिनेट बताना है इसका, बिंदु बी का निर्देशांक बताना है, बिंदु सी का बताना है। तुम कहो तो मैं इसे तरीका बता दूं, थोड़ा सा हिंट्स, इनको ऐसे मिलाओगे अपने सामने वाले से, ऊपर कहाँ जा रहा है ये, अब इतने में तुम निकाल सकते हो। प्रभुलाल गुर्जर, ज्योति, प्रियांशु, आसिक अंसारी और रामबली, विकास, कोई एनीवन, और कोई? देखो ट्राई हर कोई करेगा बेटा, ठीक है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और तुम कोशिश ना करो ना, इतना बड़ा नालायक हमारे बच्चे हैं नहीं, वो कोशिश जरूर करेंगे। मैंने 3 पूछा है, बिंदु यम का निर्देशांक बताना बेटा, बिंदु बी का निर्देशांक बताना है, बिंदु सी का निर्देशांक बताना है। खोपड़ी पकड़ना नहीं है, खोपड़ी छोड़ के ठंडे दिमाग से सोचना है, मैं बता रहा हूँ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जितने खब्बू टाइप के इधर आ जाओ। ये जो वैसे हलवा पूड़ी एक में ढकेले जा रहे हैं बिना नंबर वंबर डाले, कैसे जाने किसका है? हाँ, कौनो बी का बता रहा है, कौनो यम का, कौनो सी का, सब एक के जैसे। हाँ, एक के जैसे। देखो पहले तो निर्देशांक जो भी लिखा जाता है यक्स और वाई के रूप में लिखा जाता है, यक्स और वाई के रूप में लिखा जाता है। तो यक्स अक्ष पर चल के देख लो चाचा, ये तुम सबको पता है कि ये यक्स अक्ष है, ना लिखा जाए तब भी ये वाई अक्ष है। तो यक्स अक्ष पर देखो ये 3 पॉइंट चलना है इस पे, यहां से देखो ये लाइन आई है, यानी यक्स का मान क्या है, 3 है। वाई अक्ष पर नीचे आएगा, यहाँ पे देखो -3 वाले से निकला, ये खुद ही मैंने खींच दिया है, तो -3, यानी आप कह सकते हो बिंदु यम का निर्देशांक जो है वो 3, -3 है। क्या है? 3, -3। आर्यन बाबू को एक बार ब्लॉक किया गया था, इनके खुजली अभी भी मच रही, इनको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया गया, आर्यन बाबू को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया गया, अब ये छटपटाएंगे नहीं बिल्कुल। चलो इस तरह से अगर हम बिंदु यम का निर्देशांक देखें तो हो गया बी का निर्देशांक के लिए, इसके सीधे वाले से जुगाड़ कनेक्ट कर लेंगे, ये सीधे वाले से, इसके सीधे वाले से जुगाड़ कनेक्ट कर लेंगे ऐसे, ठीक है? आप देखे हो कि नहीं, जो लोग दुकान लगवाते हैं, सड़क किनारे दुकान लगाते हैं, उनके पास लाइट नहीं होती है, अगल बगल जहाँ खंबा होता पड़ोसी की दुकान से तार जोड़ लेते हैं, काम चला लेते हैं, तो वैसे ये भी क्या करेंगे, यहाँ जोड़ लिया एक, ठीक ठीक यहाँ जोड़ लिया। अब देखो बेटा इनका जो निर्देशांक है यक्स और वाई के रूप में होगा, तो यक्स अक्ष पर कितना चल रहा है,
पहले यक्ष अक्ष पर, यक्ष अक्ष पर तीन पॉइंट चल रहा है तो तीन हो गया, वाई अक्ष पर ऊपर को जा रहा है दो, तो तीन कामा दो। याद रहे यहाँ पर प्लस ही रहेगा दोनों, क्योंकि ये लाइन भी प्लस है, ऊपर को बगल को भी प्लस है, लेकिन इस चतुर्थांश के लिए यक्ष वाला प्लस है, वाई वाला नीचे वाला सब माइनस है, इसलिए यहाँ पे तीन माइनस में आया था। अब तुम सभी लोग सी नंबर डाल के मुझे इसका आंसर बताओ, सी नंबर डाल के बताना इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी करो। फालतू इमोजी भेजने वाले को तुरंत एक बार टाइम आउट, दोबारा उसकी खोपड़ी में अगर गोबर ना निकला तो परमानेंट ब्लॉक। बिल्कुल समझौता नहीं, केवल पढ़ने वालों को ही यहाँ पे रखना है। या तो चुपचाप पढ़ो, या फिर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो चुपचाप देखो, मन मन गरियाओ लेकिन यहाँ तक ना सुनाई पड़े, तब अच्छा है। चलो, आकाश शर्मा अभी तो हम बड़े धूमधाम में हैं, अभी तो तुमको भी दिख रहा होगा। रविशंकर बता रहे हैं सी वाले का, उसके पहले रोशन कुमार ने बताया है, विपिन रंजन ने बताया है, रंजू देवी ने बताया है। विपिन तो दोनों प्लस बता रहे हैं, विपिन तुम्हारा तो गलत है बेटा वैसे भी। हाँ, रोशन माइनस बता रहा है, एक एक प्लस बता रहा है, भाई रोशन तुम्हारा भी गलत है। अरे नलायक गधे, दोनों माइनस होगा भैया। बाबू देखो, सी का निर्देशांक यहाँ है ना, यक्स और वाई के रूप में होगा ना। अब आपको पता है ये चारों तरफ माइनस वाले से ही घिरा है, अगर यक्स अक्ष पे चलो तो इनका भी बुरा वक्त चल रहा है, ये भी माइनस में है, वाई वाले पे चलो ये भी माइनस में है। तो भैया हो, चचा हो, ये देखो, अब इनको सी हम यहाँ थोड़ा दूर निकाल रहे हैं, पॉइंट तो यही था ना, ये कुछ समझ रहे हो कि नहीं, इसको मिटा इन दो, बिंदु यही थी ये, यानी यक्स पर भी क्या था, माइनस था माइनस चार, और वाई पे कितना था, माइनस दो, चार कामा माइनस दो था, माइनस दो था बट्टा वाई में, कुछ ऐसे है ना, दोनों में चार चार बता रहे हैं। अरे हरामखोर, दोनों में चार होने का मतलब ये यहाँ आता, यहाँ ये यहाँ आता, ये फोर है तो हियाँ थोड़ी है, वो तो ऊपर था ना, तो अपने बगल वाले से जुगाड़ होगा कि हियाँ पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी के घर से थोड़ी होगा। चलिए हो गया, ये खेला हो गया, हो गया हो गया। अच्छा एक बात और बताओ, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, और मूल बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आना चाहिए। मूल बिंदु को इंग्लिश और हिंदी दोनों में जानो क्या कहते हैं बताओ, ऑरिजिन बोलते हैं ना, मतलब उत्पत्ति का स्थान जहाँ से सब निकले हैं। अरे मतलब ये बिंदु निकले हैं हम लोग नहीं, तो ये हो गया। अच्छा ये बताओ कितने लोग इसमें एनसीईआरटी किताबें लेके रखे हैं, भाई किताब उताब है पास में तो क्वेश्चन किताब से बोलना आसान रहेगा। 4.2 तक पढ़ा दिया हूँ, कल टेस्ट होगा 4.2 तक, दिल थाम के बैठे हो ना, 4.2 तक कल टेस्ट होगा, बताओ पढ़े हो ना। शिव राजपूत, छोटू, राजकुमार तिवारी, बहुत टाइम पे आए हो, अच्छे टाइम पे आए हो, कल 4.2 तक टेस्ट होगा, जो टेस्ट के लिए तड़फड़ा रहे थे हैं, उनकी सांसें रुक रही थी, उम्मीद करते हैं उनकी सांसें अब तेजी के साथ चलेंगी। हाँ चलो एक क्वेश्चन बताओ, ऐसे भी पढ़े हो तुम, ये बताओ मुझे ये किस प्रकार का समीकरण है, ये किस प्रकार का समीकरण है, पहला वाला ए वाला, ये किस प्रकार का समीकरण है,
ये बी वाला किस प्रकार का समीकरण है ये भी बता देना मुझे, ये सी वाला किस प्रकार का समीकरण है, ये सब समीकरण है, इन सबसे तुम परिचित हो। ये किस प्रकार के समीकरण है बताइए। अनन्या झा, पीछे के सारे वीडियो चैनल पे पड़े हैं, पीछे के सारे वीडियो चैनल पे पड़े हैं, आप कभी भी देख सकती हो, प्लेलिस्ट भी बनी है, प्लेलिस्ट में है, कभी भी आप देख सकती हो। आप ये बताओ दिख रहा है पूरा क्लियर ना, एकदम मस्त, कोई दिक्कत तो नहीं ना देखने में? मुझे तो लग रहा है पूरा HD में दिख रहा है। क्यों भैया, अच्छा दिख रहा है ना? चलिए तो देखिए प्यारे बच्चों, इनसे आपको मैंने पहले भी परिचित करवा दिया है। जिनकी अधिकतम घात दो होती है वह द्विघात समीकरण कहलाता है। हाँ, जिनकी अधिकतम घात एक होती है वो क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है, जिसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और जिनकी घात तीन होती है वो तीन घात समीकरण कहलाता है ना, है ना? तो सबसे ऊपर वाला आपका क्या है, द्विघात समीकरण है, बाइनोमियल बोलते हैं क्या उसे, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं बताओ इंग्लिश में, हिंदी में द्विघात समीकरण। दूसरा वाला अभी अभी पढ़े हो वही है, ये दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण है। ये क्या है, दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण है, और ये रैखिक समीकरण है बस, ये एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण है, और ये तीन घात वाला हो गया आपका, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो बस यही सब है। मुझे लग रहा है कि आपका क्लास खत्म तो नहीं करना चाहिए अभी फिलहाल, बहुत कुछ पढ़े हो तुम लोग, थोड़ा सा और रिवाइज कर लो, चलो फटाफट और पीछे आ जाओ, तो थोड़ा और पीछे आ जाओ, थोड़ा और पीछे आ जाओ, थोड़ा और पीछे। ये बताओ चाचा लोग, अगर मैं एक इक्वेशन दूंगा और तुम्हें भाग करना होगा तो क्या कर लोगे? देखो सब तैयार रखो, कल के टेस्ट के लिए आज ही सारा हिंट्स मिल जा रहा है, कल के टेस्ट के लिए आज ही सारा हिंट्स मिल जा रहा है। देखो यहाँ से, अगर यक्स माइनस वन से भाग करने को बोले हम, किनको भाग करना है, तीन यक्स का घात चार और चार यक्स घात तीन और तीन यक्स और वन, इनको भाग करके शेषफल कितना आएगा, कोई बता पाएगा बोलो? जिनको ना आएगा वो नो लिख के कमेंट करेगा या नो नो, बोलो कर लोगे कि नहीं? दिख तो रहा है सबको ना, ऐसा तो नहीं किसी को कम दिख रहा है, जल्दी करो, इनको भाग करके शेषफल बताना है। देखो ये सब नाइन्थ क्लास का है, ये सब नाइन क्लास का है, इनको भाग करके शेषफल बताना है। चलो जल्दी बता दो बाबू कितना आएगा, टाइम लगेगा या कर नहीं पाओगे ये बताओ मुझे, ईमानदारी से बताना। हाँ, पहले बताओ टाइम लगेगा इसको करने में या कर नहीं पाओगे? नहीं कर पाओगे का? शेषफल बताने को कहा मैंने, चलो मैं बताता हूँ। मोहम्मद तारिक, पिछला वीडियो नहीं देखा हो तुम तो मैं क्या करूँ, हाँ काहे नहीं देखा पिछला वीडियो, कौन तुमको पकड़ के रखा था?
जल्दी बताओ शेषफल बताओ फटाफट, देर ना करो चचा लोग, बहुत जल्दी बताओ। ऐसे तो मजा भी नहीं आती जैसे तुम लोग कर रहे हो। हाँ देखो, यक्स माइनस वन है ना, सिंपल सा बात है, हमें क्या लाना है। अभी मैं भाग करूंगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन, फिर तुम कहोगे कि ये तो गड़बड़ है। इसका शेषफल आएगा -5। एग्जाम्पल है पेज नंबर 45 पर, पेज 45 पर एनसीईआरटी में उदाहरण दिया, देख लो। -5 आएगा, कितना आएगा? -5 आएगा, समझ रहे हो ना बच्चा, कर लेना। ये तरह का क्वेश्चन भी कल रहेगा, एग्जाम आपका टेस्ट होगा। तो ये मैं तुम्हें हिंट्स बता रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारी परीक्षा में भी जरूर आएगा, चाहे एकट ही आए। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा, पक्का आएगा, चाहे एकट ही आएगा। भागफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय पढ़ाया हूं, उसमें से जरूर आएगा। एकात ना एकात क्वेश्चन पक्का आएगा, याद रखना। अच्छा एक ठीक और बता दो चलते चलते, पाई बटा दो यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स में यक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। जल्दी बताओ इसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? मनोज यादव, हर्षित, हर्षित पढ़ाई कर लो दोबारा, कमेंट ना करो फालतू, बस चुपचाप पढ़ो तब तो ठीक है, चुपचाप पढ़ो। देखिए जो बच्चे नहीं पीछे वाला देखे हैं उनको मैं अभी जुगाड़ बताऊंगा, जाना नहीं। जो बच्चे पीछे का क्लास नहीं देखे अभी उन्हें मैं लिंक भेज दूंगा, वो सब वीडियो पा जाएंगे पीछे का, टेंशन मत लो। इसमें देखो कोई दो बता रहा है, जो दो बता रहा है उसका गलत है, गौरव सिंह गलत है, रोहित विश्वकर्मा, प्रभुलाल गुर्जर, जयराम गोसाई, रोशन, अंशिका, मोहम्मद फुरकान अहमद। जो तो दो बता रहा उसका गलत है बेटा। गुणांक का मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़कर इसके साथ में जो भी लगा है वो सब गुणांक है। पाई बटा दो है, क्या है? पाई बटा दो, ठीक है, गुणांक में क्या है? पाई बटा दो इसका आंसर है। देखो गुणांक वो होता है जो उसके बगल में सटा होता है, जैसे तुम कहीं निमंत्रण शादी में गए हो, शादी में तुम गए हो, साथ में तुम्हारे पापा गए हैं, मम्मी गए हैं, तुम भी गए हो, पिल्ला जैसे तुम भी वहीं सट के खड़े हो, तो कोई तुम्हारे पापा का गुणांक पूछे तो कौन कौन रहेंगे? तुम रहोगे, तुम्हारी मम्मी रहेंगी, मतलब जो जो साथ में है, समझ रहे हो? यही होता गुणांक का मतलब, जैसे यहाँ पे देख रहे हो। तो आज की क्लास का टाइम खत्म होता है, तो क्लास यहीं पे एंड करते हैं। पहले बात सुन लो कि पीछे की क्लास कैसे देखोगे आप लोग, सुन लो। इसके पीछे चैप्टर 4.2 तक जो पढ़ाया गया है वो सारे वीडियो सारे क्लासेज आप कैसे पाओगे उसके लिए यहाँ पे सुन लो, कहानी में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पहली बात तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसमें से देख लेना। दूसरी बात, आपको जो अस्थाई तौर पे वो क्या करना है, टेलीग्राम सुने होगे, नहीं सुने हो तो अभी अभी सुन लो, ये नया वर्ड। आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन पे पीबीआर स्टडी सर्च करना है, एक चैनल मिल जाएगा, उस चैनल में 2400 प्लस बच्चे जुड़े हैं 9th के, 2400 से अधिक बच्चे जुड़े हैं, उस पर क्लिक करोगे उसमें सारी लिंक मिलेगी। सबसे नीचे ज्वाइन लिखा होगा छोटा सा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। हाँ बात समझ में आया ना? ज्वाइन कर लोगे एक बार, सारी लिंक उसमें भेजी गई है, जितनी भी अब तक पढ़ाया गया सब पढ़ पाओगे। टेलीग्राम पे आज के एक साल पहले भेजी गई लिंक भी आप तुरंत पा जाओगे, और जो कल की क्लास बाद में चलेगी सब मिलेगी, तुरंत मिलेगी। हाँ समझ रहे हो ना? तो ये करना है। और इसके अलावा देखो कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे देता हूँ, अगर 2 मिनट रुक जाओ तो।
कमेंट में भी मैं तुम्हें लिंक दे दे रहा हूँ, ले लो जाओ लेके। हाँ चैप्टर दो का पूरा लिंक भेज दे रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा। वैसे तो चैप्टर तीन भी ख़त्म हो गया, चैप्टर तीन का अभी प्लेलिस्ट नहीं बनी है, चैप्टर चार भी ख़त्म होने वाला है, सब प्लेलिस्ट बन जाएगी आज। हाँ ठीक है, समझ रहे हो ना भैया। तो ये लो चैप्टर दो का प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दे रहा हूँ, चैप्टर दो ले लो, उसके बाद और भी आ जाएगा तीन चार, उसमें जाके फिर आप लोग पढ़ लेना। चैप्टर दो का प्लेलिस्ट मैं दे दे रहा हूँ, चैप्टर तीन और चार जो है वो भी वीडियो चैनल पे हैं, वो भी अपडेट हो जाएंगे। दीपू बेटा बिल्कुल, तुम्हें क्या समस्या है कुछ बताओगे तब ना, बाकी छोड़ने को तो दुनिया छोड़ रही है, दुनिया छोड़ रही है, क्या करोगे, ये दुनिया यहाँ रहने थोड़ी आई है, ये खुद ही जा रही है एक दिन। चलो फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं फिर कल की क्लास में रात के 9 बजे। वैसे आज आपका बेसिक जरूर होगा, आना जरूर, हाँ रात 9 बजे। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू, रात 9 बजे बेसिक सीखने वाले आना।